मसालों का सालन बना रही हूँ। देखिए करेले अच्छा ऊपर से छिल्ली देखिए, मैं ये पूरा कड़वे रहते अपन छिल लेना उसको, छिल के मैं ऐसा ऐसा बीच में से कट कर ली। देखिए ऐसा सख्त बीजा रहे सो निकाली, इसमें अगर नरम बीजा रहे सो रखी। देखिए छोटे छोटे रहे तो बहुत टेस्ट रहते मसालों के साथ बीजा। ये तो आधी किलो करेले है, एक छटा इमली है, अदपो टमाटे आधा कट्टा करिया पाक, एक कट्टा कोतमीर, चार हरी मिर्ची, अदपो प्याज को लाल तल्ली देखिए मैं, छटाक फल्ली है, छटाक खोपरा, छटाक तिल है, एक चमचा बोले धनिया पाउडर, एक चमचा बोले तो जीरा पाउडर, डेढ़ चमचा लाल मिर्ची, आधा चमचा हल्दी, नमक तो अपने हिसाब से डाल लेना, दो चमचे अदरक लहसुन, ये चार चीज है देखिए बघार के, पाव चमचा बोले तो जीरा, पाव चमचा राई, एक थोड़ी कलौंजी है देखिए, थोड़ा बोले तो मेथी दाना है। ये आगे तक मेरा वीडियो देखिए। मैं खोपरे को पीस ले रही हूँ देखिए, इसके अंदर ये मोटा मोटा रहता ना तो पूरा एकदम डाले तो सही नहीं पीस जाता। खोपरे को थोड़ा पीस ले के इसके अंदर तिल भी और फल्ली डाली देखिए, तिल फल्ली डाल के उसको थोड़ा पीस के थोड़ा पानी डाल के पीसी इसके अंदर। मैं थोड़ा थोड़ा है बोल के बड़े जार में नहीं पीसी, छोटे जार में पीसे तो बारीक पीसे जाता बोल के ऐसा पीस ली देखिए पूरा, दे पूरा ऐसा बारीक बारीक। अच्छा जितना बारीक पीसे ना तो मसालों का सालन उतना मज़े का होता। इसके अंदर मैं चार चमचे तेल डाली देखिए, चार चमचे तेल डाल के करेलों को ऐसा कट कर ली देखिए मैं, बीच में से बघारे बैंगन को कैसा कट करते वैसा कट कर ली देखिए। तो अच्छा तल लेना देखिए इसको, जितना हो सके उतना लाल तल लेना और नरम हो जाते ना अच्छा तल तल के, तो ये दम पे डालने का रहता है देखिए बाद में, तो इसको अच्छा अंदर तक तल लेना। तेज़ चूल्हे पे तल के क्या करना, कम पे छोड़ना तो नीचे से अच्छा तले जाते पूरा वो। तो मैं इसको अच्छा तल ली देखिए, टमाटरों को मैं बीच में से नहीं कट करी, फुट जाते बोल के वैसे डाल देना देखिए साबित। तो बाद में से अपन मसालों में वो डाले तो ज़रा अच्छे हो जाते जब तक। तो मैं ये चार चीज़ डाली देखिए इसमें, राई, ज़ीरा, मेथी दाना और बोले तो कलौंजी डाली, इसके अंदर अदरक लहसुन डाल के तल्ली में थोड़ा करिया पाक डाली इसके अंदर। अब ये पीसे सो मैं ये मसाला पूरा इसके अंदर डाल के भून ले रही हूँ देखिए। अच्छा तेज़ चूल्हे पे भुनना देखिए मसाला पूरा, जितना भुने ना तो उतना मज़े का होता है। इसके अंदर हल्दी, नमक और बोले तो मिर्ची भी डाली देखिए। अगर अगर आप बड़े जार में मसाले पूरे पीस लेके उसके अंदर इस नमक मिर्ची हल्दी सब डाल के भी भून ले सकते हो उसमें भी, तो अदरक लहसुन ज़रा पहले भून लिए ना तो वो टेस्ट और अलग ही होता वो चीज़ों का। तो इसमें मैं ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाली देखिए इसके अंदर। तो पूरा एकदम डाल के मसाले जितना अच्छा भुने ना तो पूरा मसाला मिल जाता अच्छा रहता। मैं आधा कट्टा करिया पाक में पहले आधा डाली मैं बघार रखते खुद, फिर बाद में से आधा डाली देखिए। तो कम से कम मैं इसको 20 मिनट भुनी देखिए तेज़ चूल्हे पे, जितना अपन भुने ना मसालों का सालन उतना ज़बरदस्त और उतना मज़े का रहता। देखिए मिर्चियों का सालन होंदे अपना खोरमा मैखलिया, ये खाली भुनने का ज रहता देखिए मसालों का। अपन जल्दी जल्दी करके 5 मिनट में ऐसा भुने डाल दिए तो वो मज़े का नहीं रहता, बदमज़ा हो जाता वो। मैं कम से कम 25 मिनट इसको भुनी देखिए, 25 मिनट के बाद इमली डाली इसके अंदर। मैं इमली डाल के उसको 2 मिनट पका के फिर क्या करी उसके अंदर करेले भी टमाटे डाली देखिए। तो अपने इसमें अपने हिसाब से पानी डाल लेना, अपने कुछ कितना गाढ़ा होना है कितना ढीला होना है वो हिसाब से डाल लेना अपन। तो मैं ये हिसाब से डाली देखिए, इसमें 1 गिलास पानी डाली, उसके अंदर मैं हरी मिर्ची कट करके डाली, कोतमीर और बोले तो थोड़ा करिया पाक बचा के रखी थी, फिर ऊपर से मैं प्याज डाली देखिए। ये तले सो प्याज है ना, तले सो प्याज ऐसा चूर के डाल देना देखिए। अगर अपन लोगों को तले सो रहता ना तो ऊपर से डाले तो फिर पके तक पूरा अच्छा हो जाती उन्हें। तो तले सो प्याज अपन दम पे भी डाल सकते हैं देखिए। अब ऐसा होगा देखिए, पूरा करेले भी गल गए इसके अंदर और बोले तो टमाटे भी गल गए देखिए। मैं तली थी ना इसको, तो ये इतना मज़े का और इतना ज़बरदस्त होता है सालन। सेम ये सालन मच्छी का भी ये सालन रहता है, यही मसाला रहता है देखिए। होगा मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, 30 मिनट में पकया देखिए, आधे घंटे के अंदर पूरा सालन पक गया पूरा, बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी रहता है देखिए। आप लोगों भी बना के देखिए, पहले रोखलियों में पीस के बनाते थे देखिए करेलों का सालन मच्छी का सालन, मिक्सर रहने से बहुत अच्छा होगा। लाइक और शेयर करिए फराना कुकिंग को।